हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NFO के बारे में एंड अभी तक रिसेंट में जितने भी NFO आ रहे हैं हम सभी की बात करने वाले हैं। एंड अगर इनके नंबर की बात करें तो ये टोटल 6 हैं, 6 NFO आने वाले हैं, जिसमें से मैंने एक दो का वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट हम जल्दी से उनका भी रिव्यू कर लेते हैं। फिलहाल के लिए जो पहला फंड आ जाता है, जिसकी क्लोजिंग 17 अक्टूबर को होने वाली है, इसका नाम हो जाता है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी लॉन्च डेट 3 अक्टूबर को थी, एंड डेट इसकी 17 अक्टूबर को होगी। एंड आपको NFO की एक खास बात पता ही है कि जब ये नया नया लॉन्च होता है क्लोजिंग डेट से पहले पहले इसकी NAV प्राइसिंग सिर्फ 10 रुपये होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं कि ये किस टाइप का फंड है, तो ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है, ठीक है। इसी के अलावा अगर आप देखोगे कि इसका बेंचमार्क क्या है, तो आपको इसका बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न करके है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। इसी के अलावा मिनिमम जो आप SIP कर सकते हो इसमें, वो 100 रुपीज़ से कर सकते हो। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका 1000 रुपये से होगा। तो ये चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। एक्सपेंस रेशियो वगैरह की बात करते हैं, तो अभी के टाइम में इसके एक्सपेंस रेशियो की कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जिट लोड भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस टाइम ड्यूटी जो कि नया नया होता है तो 0.005% होता है, एंड टैक्स का ज़्यादातर पीरियड जो चलता है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10%, वो भी 1 लाख के गेन के ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा। तो ये हो जाता है पहला हमारा NFO। एंड जो भी NFO आते हैं, कोई भी NFO आता है, एंड अगर आपको खुद से चेक करना है तो सबसे पहले उस NFO को ओपन कर दीजिए एंड उसका बेंचमार्क जरूर चेक कर दीजिए कि उसका बेंचमार्क क्या होने वाला है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड आ जाता है UTI इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, हालांकि जल्दी में हम बात कर लेते हैं। NAV प्राइसिंग आपको पता ही है 10 रुपये होने वाली है, 9 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क की, तो यहां पर आपको इसका बेंचमार्क भी देखने को मिल जाएगा, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसी के अलावा अगर आप देखोगे कि इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, तो 500 रुपये मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट होगा एंड 5000 रुपये आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका 5000 रुपये से शुरू हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बहुत ज़्यादा डिटेल दी नहीं है, एंड एग्जिट लोड 1% पड़ेगा एक साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम ही देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं थर्ड नंबर के NFO की, बंधन रिटायरमेंट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड अगर हम इसके बाद करते हैं क्लोजिंग डेट की, तो ये 12 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। NAV प्राइसिंग आपको पता है, सारे ही NFO जितने भी नए NFO आते हैं उनकी प्राइसिंग 10 रुपये NAV होती है। इसी के अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो एंड चीज़ें देखते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो इसका बेंचमार्क है वो क्राइसल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं देता है। इसी के अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो 100 रुपीज़ मिनिमम SIP एंड 1000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस रेशियो की भी जानकारी दी नहीं गई है, टैक्स बिल्कुल भी निल अभी के टाइम में पड़ा हुआ है। लेकिन टैक्स के आप यही चीज़ देखिए और चलो कि 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10%। इसी के अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट NFO की बात करते हैं, तो ये आ जाता है एडलवाइस मल्टी कैप फंड। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको NAV प्राइसिंग 10 रुपीज़ दिखता ही है, एंड जो इसकी एंड डेट की बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक के लिए आपके पास टाइम हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, निफ्टी 500 मल्टी कैप। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आता है। एंड अगर इसमें बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो 100 रुपीज़ से आप मिनिमम SIP शुरू कर सकते हो, 5000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की डिटेल यहाँ पर दी नहीं है, एग्जिट लोड 1% पड़ता है, लेकिन एग्जिट लोड 90 डेज़ के अंदर अगर आप रिडीम करते हो तो 1% पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है वो 0 हो जाएगा। एंड टैक्स बिल्कुल सेम पड़ता है, तो ज़्यादातर हमें फ़ंड में देखने को मिलता है वही है। इसी के अलावा अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं,
आगे बढ़ के जो बात करते हैं इसमें आ जाता है वाइट ओक कैपिटल। एंड अगर हम इसके एंड डेट की बात करते हैं किस दिन ये क्लोज़ होने वाला है, ये 19 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएगा। एंड इसी के अलावा जो इसका बेंचमार्क है ये भी कुछ खास अच्छे रिटर्न देता नहीं है, क्राइसल हाइब्रिड 50+50, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा किस टाइप के आपको फ़ंड चूज़ करने हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ SIP है, एंड जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आप 500 रुपये से कर सकते हो। एंड एक्सपेंस रेशियो की जानकारी शुरुआत में दी नहीं होती है। एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर रिडीम करोगे, अदरवाइज वो 0 हो जाता है। टैक्स की अभी यहाँ पे जानकारी दी नहीं है। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट NFO की बात करते हैं। एंड लास्ट ये NFO हो जाता है जिसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह के आपको फ़ंड चूज़ करने हैं। तो इसका नाम हो जाता है बड़ौदा BNP परिवास स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, जिसकी क्लोजिंग डेट है 20 अक्टूबर। आपको 20 अक्टूबर तक का टाइम मिलता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी के अलावा जो इसका बेंचमार्क हो जाता है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसी के अलावा अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो आप। एंड इसी के अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये से शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है जो एग्जिट लोड होगा वो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज ऑफ रिडेप्शन विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपका पड़ेगा 1%। एंड 10% एक्सेस जो भी होगा वो आपके यूनिट्स का पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें 1 साल के अंदर के लिए दी गई हैं, 1 साल के बाद आप करते हो तो ये सारी चीज़ें निल हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। टैक्स यहाँ पर आपको वही सेम देखने मिल जाता है, 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10%। अब हम बात करते हैं मेन कि आपको किस तरह के फंड चूज़ करने चाहिए, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है जो बेंचमार्क होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इस टाइप से आपको इंडेक्स फंड देखने को मिलते हैं, आप उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाइब्रिड के कोई भी फंड टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक हाइब्रिड इसका बेंचमार्क आया हुआ है। आपको इस तरह के फंड से बच के रहना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अभी आपको 4-5% के रिटर्न ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। इसी के अलावा अगर आप निफ्टी 500 मल्टी कैप टाइप से फ़ंड चूज़ करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, और भी NFO के बारे में जानना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़कर बता सकते हो कि आपको किस टाइप के फ़ंड में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको किस टाइप के फ़ंड का रिव्यू चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी फ़ंड करते हो जिसका बेंचमार्क यहां पर निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 50 इस टाइप के आपको यहां पर बेंचमार्क देखने को मिलते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है आपको इस टाइप के फंड से बच के रहना है, ऐसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।